रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो गोल्ड का रेट है जी सऊदी मार्केट में, वो आपसे शेयर कर दूंगा मैं। आप भाई मक्का से ले लें, मदीना से ले लें, रियाद से ले लें, दमाम से ले लें, ताइफ से ले लें, जद्दा से ले लें, इंशाल्लाह यही रेट होगा। इसमें एक आध रियाल का आगा पीछा होगा इंशाल्लाह, जो मैं आपको रेट कंफर्म कर दूंगा, बाकी यही रेट होगा। एक चीज़ मैं तमाम परदेशों के लिए वाजा करना चाहूँगा, मैंने कल एक वीडियो लगा दी, वो एक यहाँ से फैमिली गई सऊदी अरेबिया से, कीमती सामान थे बकायदा उनके पास, और वो जैसे ही शायद एक आध पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो अपने घर के पास जाकर रुकी हैं उनकी गाड़ियाँ, तो भाई वहाँ पर वही पर चोरों ने लूट लिया उनको। तो तमाम परदेशी भाई वो वीडियो मेरी देखना चाहें तो चंद घंटे पहले मैंने शाम को लगाई थी, वो जाकर आप देख सकते हैं, इससे पीछे वाली वीडियो वही होगी। तो वो तमाम परदेशी भाई यार एहतियात करें, ये बात आपके साथ इसलिए कर रहा था, हमने भाई ये गोल्ड का जो मामला था ये आपको पता साथ लेकर जाने होते हैं फिर, और एहतियात से जाइए, अल्लाह ताला की ज़ात सब प्रदेशों को महफूज रखे। अच्छा, गोल्ड रेट के मतलब चलते हैं, और आज मैं ना आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। वो तो पता क्या है, हमें मैं बोलता हूँ तमाम प्रदेशों को बोलता हूँ, आप 21 कैरेट का गोल्ड बाय करें, ये मेरा मशवरा है। बाकी हर बंदा भाई सियाना है, कोई भी किसी किस्म का कमला नहीं है, जो आपको बेस्ट लगता है वो कीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि 21 कैरेट का गोल्ड बेस्ट होता है पहनने के लिए। अच्छा, ये अगर वैसे रखना है बिस्कुट ले लें 24 कैरेट का, फिर तो प्योर, वो तो कोई मसला नहीं, जब सेट वगैरह जो भी पाकिस्तान में बनाना हो तो आप देकर बना सकते हैं। अच्छा जी, आज मैं जो ख़ास बात बोल रहा था वो मैं आपको 21 कैरेट 18, 21, 24, इससे भी नीचे आ जाते हैं 18 कैरेट एंड उससे नीचे फिर 12 कैरेट का रेट के मतलब भी आपको अपडेट करूँगा जी। अच्छा, 12 कैरेट से ही शुरू करेंगे आज का। 12 कैरेट का रेट जो है जी, एक ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, वो 144 रियाल, ठीक है, 144 रियाल का 12 कैरेट का गोल्ड जो है उसकी भाई एक की कीमत है। अच्छा, इससे आगे अगर बात करें 14 कैरेट की, अगर बात करें तो 14 कैरेट का जो आज का रेट है वो 168 है, ठीक है जी, 170 रियाल बोल रहे हैं आप, और ये एक ग्राम का मैं आपको रेट बता रहा हूँ। अगर आप 12 कैरेट के 10 ग्राम का वो एक बिस्कुट लेना चाहते हैं तो तकरीबन एक तोला जो है वो तकरीबन 11.5 ग्राम के अराउंड में होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर 10 ग्राम का तोले से थोड़ा कम आप बिस्कुट लेना चाहते हैं या 10 ग्राम गोल्ड लेना चाहते हैं, 12 कैरेट में 1440 रियाल का बनेगा आपका, और 18 कैरेट का भाई 216 रियाल का एक ग्राम है, आप खुद ही अभी कैलकुलेट करके देख लें, 216 रियाल ज़रब 10। अच्छा, आगे चलते हैं 21 कैरेट की तरफ, तो भाई आज के जो 21 कैरेट का रेट है वो 252 रियाल रिकॉर्ड किया गया है, और इसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है गोल्ड मार्केट में भी। अच्छा, 252 2520 रियाल का तकरीबन 10 ग्राम बनेगा ये 21 कैरेट का जो गोल्ड है। आगे अगर बात करें 22 कैरेट के गोल्ड की, जो इससे भी आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी में बोल रहे हैं, उसकी कीमत जो आज की है वो 263 रियाल 99 हलाल है, यानी कि 264 रियाल बोल रहे हैं भाई आप। अभी मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा तमाम परदेशी भाइयों को। बहरहाल हम प्योर गोल्ड जो है जी 24 कैरेट का उसकी तरफ चलते हैं, उसका आज का जो रेट है वो 288 रियाल है, कल का रेट था 286 रियाल, तकरीबन 2 रियाल का डिफरेंट एक ही दिन में पड़ा है, तो गोल्ड मार्केट भी तेज़ हो रही है, तो बस रियाल ही रुका हुआ है। अच्छा, बहरहाल 24 कैरेट का जो गोल्ड है जी, उसकी एक ग्राम की कीमत 288 रियाल। अभी अगर आप 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड लेना चाहते हैं तो 2880 रियाल में आपको मिलेगा, तकरीबन 2900 रियाल में, 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, एक तोला से थोड़ा सा कम। और अगर आप 12 कैरेट का लेते हैं तो वो 1440 का बनेगा, तकरीबन वो आप बोल रहे हैं कि आधा डिफरेंट है, वैसे कैरेट में भी आधा ही डिफरेंट है, ये 12 कैरेट है वो 24 कैरेट है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 21 कैरेट का गोल्ड जो है पहनने के लिए बेस्ट होता है, बाकी लोग 18 कैरेट का भी ले लेते हैं, वो भी चलता है, और पाकिस्तान मार्केट में पता नहीं 18 भी चलता है कि नहीं।